अरे तीन लोक में तेरे जैसा और ना कोई भी दानी दर्श करने आई, श्याम तेरी दीवानी। अरे तीन लोक में तेरे जैसा, तीन लोक में तेरे जैसा, और ना कोई भी दानी दर्श करने आई, श्याम तेरी दीवानी दर्श करने आई, श्याम तेरी दीवानी। श्याम जी का नाम चलाया है भगवान कृष्ण ने, कौन थे वो खाटू श्याम? अरे खटोट सुत मोरनी नंदन महाभारत में आए, खटोट सुत मोरनी नंदन महाभारत में आए। बताते हैं बर्बरी लड़ाई के लिए तीन बाण तरकस में है, और जहां कौरवों और पांडवों का युद्ध हो रहा था, चले जा रहे हैं लड़ने के लिए। रास्ते में कृष्ण भगवान ने देखा ये कौन है, कहां जा रहा है, तो क्या बताया? घटोत्कच सुत मोरनी नंदन महाभारत में आए, घटोत्कच मोरनी नंदन महाभारत में आए। तीन बाण तरकस में देखे कृष्ण जी मुस्काए, कहां जा रहे हो? नुके मैं जा रहा हूं कौरवों की तरफ से महाभारत के युद्ध में भाग लेने। तुम अकेले और उनके पास इतनी बड़ी सेना है कैसे? नु और तुम्हारे पास तीन ही बाण हैं। तो कहते हैं तीन बाण तो बहुत है प्रभु, मैं तो एक ही बाण से युद्ध को जीत लूंगा। अरे तीन बाण तरकस में देख के कृष्ण जी मुस्काए, तीन बाण तरकस में देख के कृष्ण जी मुस्काए। अरे इनसे कैसे फतेह करोगे, इनसे कैसे फतेह करोगे, अरे होगी इज्जत की हानि दर्द करने आई, श्याम तेरी दीवानी दर्द करने आई, श्याम तेरी। कृष्ण जी ने कहा भाई उनके पास तो इतनी बड़ी सेना है और तुम्हारे पास तीन ही बाण है, कहीं ऐसा ना हो कि इज्जत की हानि हो जाए। तो क्या कह रहे हैं बर्बरी जी? अरे एक बाण में सबको मारूं, बचे दो बाण हमारे, कृष्ण जी ने कहा अच्छा भाई ऐसे कैसे मान लूं कि एक ही बाण में तो सबको मार देगा पूरी सेना को, कुछ प्रमाण दिखाओ, कुछ प्रत्यक्ष दिखाओ, सामने करके दिखाओ कुछ। तो क्या हुआ? इतनी देर में पेड़ के पत्ते पीन दिए थे सारे, इतनी देर में पेड़ के पत्ते
पत्ते पील दिए थे सारे भगवान ने अपने पैर के नीचे दबा लिया तो वो बाण सबको भेदने के बाद भगवान के पैर के चारों तरफ घूमने लगा तो क्या हुआ पांचों पांडव और कृष्ण को पांचों पांडव और कृष्ण को पांचों पांडव और कृष्ण को एक हुई है रानी तरस कर शाम तेरी दीवानी तरस कर भगवान कृष्ण कहने लगे भाई बहुत बढ़िया तूने मेरा दिल मन जीत लिया तो बरबरी की कैसे कहते हैं अरे बरबरी की जी बोले मैं हारे का बनू सहारा अरे बरबरी की जी मैं हारे का बनू सहारा अरे बरबरी की जी बोले मैं हारे का बनू सहारा और क्या कह रहे हैं एक बाण में महाभारत का युद्ध खत्म करूं सारा एक बाण में महाभारत का युद्ध खत्म करूं सारा अरे एक बाण में महाभारत का युद्ध खत्म करूं सारा कृष्ण भगवान की परेशानी बढ़ गई तो कृष्ण भगवान ने उन्हें वचनबद्ध कर लिया और वचन में कैसे क्या हुआ अरे भरवा वचन श्री कृष्ण ने सर को मांग लिया था भरवा वचन श्री कृष्ण ने मांग लिया था भरवा वचन श्री कृष्ण ने सर को मांग लिया था हंसते हंसते शीश का दानी ऐसे ही खाटू श्याम नहीं बुझ रहे आज
तीनों लोगों में खाटू श्याम की चर्चा है, कह दो सच्चे दरबार की। और ऐसा बताते हैं भक्तों कि उनके दरबार पर कोई चला जाए, सबसे फास्ट सुनवाई है वहां पे। यहां बाबा से नजरें मिली और उधर काम हुआ, कह दो सच्चे दरबार की, बोल हरे के सहारे की। तो कैसे कि श्री कृष्ण ने अपना नाम पुजवाया है, हंसते 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 शीश काट कर अद्भुत दान दिया था, हंसते हंसते शीश काट कर अद्भुत दान दिया था। अरे हंसते हंसते शीश काट कर अद्भुत दान दिया था, हंसते हंसते शीश काट कर अद्भुत दान दिया था। अरे प्रियंका हरे राम बैठ ले, प्रियंका हरे राम बैठ ले, काटे कथा पुरानी दरस को चाल पड़ी, दरस को चाल पड़ी श्याम तेरी दीवानी, दरस को चाल पड़ी श्याम तेरी दीवानी, दरस को चाल पड़ी श्याम तेरी दीवानी, दरस करने आई श्याम तेरी दीवानी।